कश्मीर से ली थी। कश्मीर से ली थी? हाँ भाजी, जब हम होटल गए थे। मेरे दांत थोड़ी टूटे, उसके तो टूटे हुए दो। अभी गजले हाँ गजले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। अच्छा, जितने भी नए लोग हैं काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं और जो रूटीन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या बोलते हैं, जुम्मा का दिन था तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो गया। और इधर देखे, महारानी साहब चाय बना के लाई है। वाओ वाओ, चाय बना के लाई है, किस खुशी में। चलो भाई, शुक्र है चाय बन गई है बाबा, चाय बन गई है, शुक्र है। और गैस, मौसम बहुत ज़बरदस्त है, फुल अच्छा माहौल बना हुआ है, मतलब एक ज़बरदस्त माहौल जैसे बनता है वैसे बना हुआ है। अभी फ़िलहाल तो क्लीन है, बाकी देखो बाकी यहाँ पे ठंड वंड बहुत है, ये मतलब इस टाइम पे भी आपको गर्मी लगती है, हालांकि दोपहर का टाइम है। और भी अभी जो ना मीर हमें शोर कर रहा था कि भाई मुझे देख रहे हैं काऊ, तो हम इसको लेकर आए गए काऊ के पास। मीर काऊ देख ली अभी? गजले हाँ गजले नहीं बोलते यहाँ पे काऊ जो ना मज़े होते हैं भाई, मीर के रोज़ आ जाते कहीं ना कहीं से घास वास खास है, तो आज थोड़ा इधर इस साइड पे थे, हम इस साइड पे आ गए। अम्बा मीर मीर कर अम्बा। हाँ चलो आए, चले चले बस चले। हाँ और भाई ये देखो साथ में ही हमारे घर के पास में, मतलब वो इधर एक बाउंड्री दी हुई है कि ये बहरिया की ज़मीन नहीं है। और ये देखो यहाँ पे फसल वगैरह, मतलब पूरा गाँव आ जाता है फिर, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है वैसे। और इस जगह के बारे में ना मुझे किसी ने बताया, पता नहीं अभी अल्लाह जाने सच्चा या झूठ है, कि ये जो सामने लिख बने हुए ना ये घर, ये वाले, ये पहले होटल हुआ करते थे। देखा इनका रुख भी इधर ही है, इसी तरफ आवामी की तरफ निकलो, तो मतलब इनका होटल था। तो ये जो ना इतना चला था कि ये सब लोग जो ना यहाँ से पहले खाना खाते थे, फिर बाद में ये हुआ कि भाई बहरिया वाले ने बोला कि ये ज़मीन हमें दे दो, लेकिन मजदूर जो ना अपनी, मतलब किसान जो है ना अपने गुस्से पे आकर बोलते हैं भाई मैं ज़मीन नहीं बेचूँगा, मेरी ज़मीन है मैं क्यों बेचूँ। तो जब उसने ज़मीन नहीं बेची तो फिर इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया, बाउंड्री दे दी कि भाई चलो फिर अगर तुम ज़मीन नहीं बेचोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारा होटल भी नहीं चलेगा। जब बाउंड्री दे, जहर सी बात है, अभी देखो ना वहाँ से वो सारा बंद कर दे, कोई आ ही नहीं सकता, कोई खाना यहाँ से खाना ले ही नहीं सकते थे ना दे सकते थे। तो फिर ये हुआ कि ये होटल फेल हो गया, बंद हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन ज़मीन फिर भी उन्होंने नहीं बेची। ये फिर गुस्से पर बात आ गई ना। वैसे यार किसी की मर्ज़ी है यार, कोई बेचे ना बेचे, और जो ना बाउंड्री देना फिर इनको, फिर इनको भी गुस्सा होगा ना, आपको पता डीलर होते हैं बड़े बड़े। तो खैर अभी किसी और से भी कंफर्म करेंगे ये बात सही है गलत है। वैसे जैसे उन्होंने बोला तो लग रहा वैसे सही है, क्योंकि बाउंड्री भी दी हुई और वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि होटल लिखा हुआ है इसके ऊपर ना पहले, और ये चलता भी वाकई में बहुत होगा। ये देखो ना पूरे इलाके लगते हैं, ये वाले इलाके और साथ में ये वाला इलाका, तो ये सारे लगते होंगे इसको। खैर अभी आगे चलते हैं। तो गैस अभी मैं और मीर जा रहे हैं। मीर हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ भैया लेने? नहीं भैया को लेने नहीं जा रहे, पता है कहाँ जा रहे हैं? पहले सलाम करो, और कैसे हो आप? ठीक हो? तो यार हम लोग जा रहे हैं देसी शहद लेने, मतलब हनी लेने के लिए, क्योंकि सर्दी आ रहा है तो फिर इनके गले जो ना खुर खुर लगी हुई है, दवाई वगैरह पिला रहे उससे मज़ा नहीं आ रहा। वो हनी होगी ना, शहद होगी, तो फिर वो एक ही थोड़े से दूध में डाल के देते रहेंगे ना तो फिट हो जाएंगे ये। और देसी अंडे भी लेके आता हूँ अब इनको डेली, तो डेली का ना अभी इनको ना एक अंडा भी खिलाया करूँगा देसी, ताकि इनको ना थोड़ा वो फ़र्क पड़े, थोड़ा इनको ना गर्मी रहेगी ना तो फिर ये ठीक रहेंगे। सर्दियाँ आ गई ना यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा से मतलब रात अभी देखें ये दोपहर का टाइम है, लेकिन फिर भी हमारे पंखे वगैरह नहीं चल रहे, मतलब हल्का हल्का बिल्कुल हल्का चला हुआ है। और जो है ना रात के टाइम पे तो बिल्कुल यहाँ पे ठंड होती है, आप बिल्कुल अच्छी खासी सर्दी आ चुकी है, और आगे तो सर्दियाँ आएँगी तब पता नहीं क्या होगा। तो मतलब इनका ना पहले से ख्याल रखना पड़ेगा, अभी इनको देसी अंडे लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं शहद वगैरह खिलाते रहे, ताकि ये ना सर्दियाँ बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि ये फार्मी मुर्गी है ना, ये जैसे फार्मी मुर्गी नहीं होती वैसा सीन इनका। कराची में रहे हैं तो वहाँ पे तो जो टॉप की सर्दी है ना, टॉप की सर्दी वो अभी यहाँ पे समझो यहाँ पे वही चल रही है जो वहाँ पे टॉप की सर्दी होती है कराची की, लेकिन यहाँ की सर्दी अभी शुरू ही नहीं हुई। अच्छा मज़े की बात ये है, मज़े की बात यह है कि अभी मैंने पता किया कराची में भी अभी तक गर्मी है, और हमारे गाँव के साइड पर भी गर्मी है, और लाहौर तक भी अभी गर्मी है, लेकिन इसी साइड पर ही ठंड है। तो मतलब इस साइड पर ज़्यादा ठंड पड़ती होगी बनिस्बत दूसरे शहरों के, तो ये वाला सीन है। वैसे अच्छी बात है, चलो भाई बिजली का बिल भी बचता है, क्योंकि अभी पंखे वंखे जो बिल भी कम आएगा, नहीं तो एसी वैसे चलते ना बहुत बिल आता है। खैर अभी चलते हैं गैस, हम इसके लिए देसी हनी ढूंढ के लाते हैं, और खाने का भी कुछ लेके आ जाएंगे, मतलब रात को जो पकाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए मीर और मैं, कहाँ पर मीर? मार्केट में। कहाँ पर आ गए? मार्केट में। और अभी चलते हैं वहाँ से सामने एक शॉप पे, अगर वहाँ से मिल जाता तो थोड़ी हनी भी मिल गई और देसी अंडे भी मिल गए, तो हम लोग यहाँ से अपनी पसंद लेके चुन के ले लेते हैं।
तो गैस अभी हम लोग बना रहे थे खाना, वो और मैं बना रहा था कुकर के में, और इसकी मेरी वाइफ को ना अभी सीट नहीं मिली, मैंने कहाँ रखती है इसकी सीटी, तो अभी वो ढूंढ रही है, अगर मिल जाए ना तो फिर जो ना मिल गई नहीं कुर्सी लेकर आई, क्योंकि इसका हाइट ऊपर नहीं जाती, इसको दिखता नहीं है। जल्दी 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 देर हो रही है। गैस हमारे कुकर के काम देखें, ये कैसे सीटी मारता है, पहले हम सुनते चीनी वाली, ये तो ट्रेन की तरह चलता है, देखो ये ट्रेन जा रही है, टिक 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 टिक। तो भाई शुक्र है कि इस बार जो ना मैंने इसके ना हल्का सा पैंडल डाल, पहले मैं क्या गलती करता था, इसके ना पानी बहुत ज़्यादा डालता था, जिस वजह से क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा था, अभी मैं मुझे समझ जाए कि इसमें पानी थोड़ा रहता है, और टाइमिंग भी मैंने नोट कर ली कि कितने टाइम पे होता था, अभी बिल्कुल ऐसे ऐसे ना कुकर के समझ आ जा रही है, तो अभी अच्छे से जो है हर चीज़ गोश्त वगैरह ना गल जाता है इसके अंदर। और अभी आपके भाई ने डाल दिया इसके अंदर आलू, और अभी इनकी भुनाई करके फिर थोड़ा सा पानी डाल के इनको ना बंद कर देंगे, तो फिर ये बन जाएगा। तो भी अभी जो ना हो रही है इवनिंग, ये देखें, और जो ना हमजा लोग आ चुके हैं, पढ़ के हमजा सलाम करो। वाह 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 वाह, कौन कैसा छोटी का छ, ओए दांत दिखाओ। अभी हमजा कौन हिल रहा है, अभी हां अभी ये ले ये ले ये सारे हिल रहे हैं बाबा जी, क्यों गिरा रहे हो, हां हमारी अपनी है, मीर हमारी अपनी है। और गाइस ये देखिए छोटे ढीम लाया था मैं, ढीम मीन एग, तो ये रहे थे देसी, और मुझे ये 500 कितने रुपए का दर्जन पड़ा है, इससे बेहतर है मैं दो मुर्गे ना रख लूँ पीछे की साइड पर घूमती फिर रहेंगी, कुत्ते खा लेंगे वो आज भी, कुत्ते क्यों खाएंगे भाई, कुत्तों की ऐसी की तैसी, या फिर छत पे छोड़ दूंगा। तो भी अभी हमजा शो नहीं करो, मुंह साउट जाएगा, चुप करो क्या मीर, अभी आपने खाया ना अपना एग, अभी हमजा कहिए नहीं, हमजा इधर मूसा के सर पे मार के तोड़े, मीर के सर पे, फिर आपके सर पे नहीं मालूम, मीर के सर पे बोलते हैं मारो, इधर मारते हैं, ये देखो मैं अपने सर पे मारूं, नहीं दीवार पे, अपने सर पे मारता हूँ उसको, पहले दीवार पे, रुको रुको एक मिनट। तो गाइस ये है अंडा तोड़ने का नया स्टाइल, ये तो लगता है ये दूसरा देसी अंडा ना, मजबूत है, बदले जाओ, सो जाओ मुसा, अल्लाह अल्लाह इल्लल्लाह, सो जाओ। मैं बोलूँ कब से रोटी क्यों नहीं पड़ रही, ये ना कि भाई ये रोटी के बदले ये लगा के खड़ी हुई, और खत्म होगी वीडियो तो तब भी रोटी बनेगी, हाँ ड्रामा भी, मैं बोलूँ रोटी नहीं बन रही, पाए बन रहे कब से, आराम से रोटी बना रही थी साथ साथ ड्रामा देख रही थी ना, ड्रामा बसा है तुम्हारी जिंदगी, ये ड्रामा है, सही से बनाओ जल्दी करो, 3 घंटे हो गए एक रोटी नहीं बनी, पेड़ा देखो माशाल्लाह कितना छोटा सा पेड़ा मेरी वाइफ बनाती है, तुम हाथ देखो, तुम्हारा हाथ तो छोटा, इतना बड़ा पेड़ा कैसे बना लिया तुमने, ये देखो भाई एक ही रोटी बहुत हो जाती है ना, छोटी बनाओ तो फिर दो दो तीन, जान छोड़ने के ना फिर एक ही बनानी चाहिए। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, और मेरे सामने बनाया था अभी, कैसे बने बहुत अच्छा, अच्छा बने है, अच्छे खाए बगैर बोल रहे हो, अच्छे अच्छे है ना, मुझे पता है कैसे, कब खाया था वो पानी वाले अब्बू के जैसे लग रहे हो क्या है, मेरे दांत थोड़ी टूटे हुए तो टूटे हुए दो बस कोई बात नहीं बोलो आ जाएंगे। तो अभी खाना वाना खाया, तो मैंने सोचा कि भाई आज जो ना खाना हजम करने किसी अच्छी जगह पे चलते हैं, और अच्छी जगह से मतलब है किसी अच्छी जगह पर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी पे, जहाँ पर उस दिन सितारा ने हमें बुलाया था, मतलब जहाँ पे मैंने क्या पार्टी की थी, किस चीज़ की, 160 के की, तो अभी इसको भी लेके जा रहा हूँ, और जी क्या तुम जाओ पहले कोई टोपी पहन के, वहाँ पे ठंडी हवा होगी, फिर ये ना जैकेट का है आज ना ये शू करते इसके मुंह से ना सारा वो थूक निकल, चलो जाओ जाओ वो लेके आओ इसकी जैकेट लेकर, चलो गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, अभी चलते हैं पहाड़ी पे। आज सर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं घर बैठे बैठे थोड़ा बोर हो रहा था, थोड़ा ऐसे जैसे वो सुनिया रात आते रात आते भी तू,
तो ऐसा फील होता है। मैंने बोला भाई चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं किसी जगह पे, थोड़ा मूड भी फ्रेश होता है, बंदा फ्रेश हो के आ जाता है। तो ये सीन है। और खाना तो आज जो मैंने बनाया था बहुत लाजवाब था, लेकिन अच्छा आज मैंने उसकी पूरी रेसिपी दिखाई नहीं है, और वो जो बना पूरा देख के जैसे बना भाई, देख देख वाला सारा नहीं जैसा वैसा बना है। तो बस क्या कह सकते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोलती पीछे। अच्छा मैंने देखा कारों में ना यहाँ पर कुल लगे होते हैं, चार कुल वाले, वो मैंने एक लेने और यहाँ पे हैंग कर देंगे किस जगह पे लगा लेते हैं, वो थोड़े अच्छे होते हैं ना। तो अभी हम लोग तो वैसे ही यहाँ पर आए थे, मैं अभी यहाँ से आपको दिखाता हूँ, वो देखो आतिशबाजी हो रही है, दिवाली नहीं हो रही, वो देख हमजा, वो देखो। तो भाई यहाँ पे आ कर हमें ये कुछ देखने को मिल गया, चलो वाह जस्ट लुक। हाँ चलते हैं देखने थोड़ी देर तक, वो देखो वहाँ पे तो कोई मज़े की चीज़ है। और क्या चीज़ है वहाँ पर, जो मैंने उसके पास उसकी वजह से जुम्मे की वजह से अभी तो नहीं हुआ। वो देखो भाई वहाँ पे अगर करीब में जाओ ना, बहुत मज़े की चीज़ हो रही थी वहाँ पर। वो देखो बस छोड़ो रहे, वो देखो अभी तो नहीं हुआ, अभी होगा होगा, हो रहा वही। तो अभी पहाड़ी पे तो हम लोग आ गए हैं और मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के ना, यहाँ से जो ना ऐसे व्यू पॉइंट आता है, वे हो पिजनी डांस करके दिखाओ। ये क्या है पिजनी, हाँ। अच्छा मैं इसको पिजन बोलता हूँ ना, काफ़ी लोग बोलते हैं इसको पिजन क्यों बोलते हैं, इसका प्यारा सा नाम है, नाम तो प्यारा है लेकिन जब छोटा था ना पिजन के जितना था, तब से मैं इसको पिजन बुलाता हूँ प्यार से, तो इसलिए मैं इसको पिजन पिजन बोलता हूँ। मेरी मुझे पिजन बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए इसको पिजन बोलता हूँ। ये तुमने शाल कहाँ से मारी है, वो जो कश्मीर सिंध की लगती है, लहे तो मंगाई कश्मीर की है, सिंध की या वो गांव की पंजाब की साइड की लगती है। नहीं नहीं ये पक कश्मीर से ली थी। हाँ भाजी जब हम होटल गए थे तुम्हें याद है, कश्मीर में हम लोग कहाँ कब गए थे, कश्मीर गए नहीं थे, वो स्कल जो गए थे स्कर्दू, तो हम दोनों वो भी गए थे ना, वो स्कर्दू याद है। वैसे कश्मीर भी गए थे याद है आपको, हम जब अभी इस गर्मी में ना हम इंशाल्लाह इसी पीपी पे चलेंगे, कार पे चलेंगे, टर्बो लगा के चलेंगे। बस रहने तुम, जब भी कुछ बोले जो भी इसके बोलते ना ऐसी बातें बोलते हैं कि फिर वही चीज होती है। बस अभी नहीं, हमारा इरादा कैंसिल हो गया भाई, सही है सही। अभी अभी बोलो जाएंगे। इतनी कोई जबरदस्त जगह है ना कि दिल करता है कि बैठे रहो। और ये जो ना सैड हुई हुई है, इसको बहुत दुख लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ना आपको ये पॉइंट देखने को मिलता है, बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। और हमजा जो ना भाग गया जाके गाड़ी में बैठ गया, जो ना मेरी वाइफ जो ना अभी दुखी हुई, बोलते हैं मुझे मायके जाना है, तो मैंने बोला चले जाओ, बोलते हैं मैं अकेले जाऊँगी। तो अभी मैं इसको गाड़ी की चाबी दे रहा हूँ, ये लो ना, चली भी जाऊँगी चला दी। वैसे एक बात है, चादर अच्छी है, बाकी तुम जाओ ना जाओ। चलो अभी इसको मायके जाना ना, यहाँ से डायरेक्ट जाओ। ओए तुझे अभी कटाई करनी थी भाई, बस बना ली मैंने। वैसे जाना ना यहाँ से डायरेक्ट, की टिकट है यहाँ से डायरेक्ट मायके, ऊपर पहुँचाना ऊपर। बच्चे तो है नीचे, ऊपर है तो। चलो यार अभी फिलहाल तो घर चलो, कल तुम्हें मायके छोड़ाऊंगा, ठीक है। सच्ची? हाँ सही बताओ, मायके तुम्हारा कौन सा 10 मील दूर है? कौन से मायके, कराची वाले या वो नवाकोट वाले? चलो चलिए, नहीं तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आज की ट्रिप थी आपके साथ में शेयर की थी, और बस यही था। और आज हम थोड़ा सा नहीं, वैसे आधा घंटा बैठ रहे हैं वहाँ पर पहाड़ी पर। तो मेरी वाइफ जब अकेली बैठती है, फिर ये सोच रही थी कि अभी मुझे ना कितने दिन हो गए नहीं गए अपने भाई बहन के पास, किसी के पास, तो इसको ये फील हो रहा था। तो खैर मैंने कहा वैसे भी हमने जाना है तो तुम्हें चलो मिला देंगे। तो बस अभी जो ना क्या बोलते हैं, अभी ये सैलरी जैसे आती है ना, तो इसको जाते हैं घुमा फिरा के ले आते हैं, ताकि इसका भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। हालांकि इधर आए हुए कितने महीने हुए हमें यहाँ पे आए हुए, ढाई महीने तो सारे हुए। खैर कोई बात नहीं, चलें कोई बात नहीं,
8-10 हज़ार रुपये इसके ऊपर लगा देंगे इसको घुमाने फिराने, 8-10 हज़ार तो नहीं, खैर चलो जो भी है चलो। वैसे भी मुझे जाना है वहाँ पे अपने घर का जो है एस्टीमेट लगवाना है, वो मैंने अपने जो गांव का घर है ना उसको पूरा ना रिनोवेट करवाना है, या पूरा नहीं मतलब ऐसा उसका कुछ करेंगे कभी रहने लायक हो, वैसे है सही लेकिन मतलब साफ़ सुथरा बन जाए, क्योंकि हम लोग जब यहाँ से जाते हैं ना तो फिर कभी शाहबाज के घर तो कभी क्या कभी क्या, तो इस वजह से तो जब हम लोग मैं बोलता हूँ जाएँ तो फिर हमारे जब वहाँ पर घर है तो वो उसी को ही सेट करा के रखें, एक तो अपना भी होता है जब आओ जब जाओ, और दूसरा ये है कि चलो वो सेट भी हो जाएगा और हमें टेंशन भी नहीं होती होगी कि अभी हमें हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो वो अपने घर ही जा रहे हैं तो ये फील होगा। तो खैर इसी के साथ गाइस वीडियो एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।